हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका अपने चैनल नॉन टेक टेक विथ एसन वाई में आपका स्वागत है। और हम पार्ट 9 डिस्कस करने जा रहे हैं चाइल्ड पेडागॉजी का, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, आप क्या करेंगे उस केस में? तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उनसे जाके स्वयं मिल लेना चाहिए। आप स्वयं उनसे जाके मिल लेंगे, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, तो पहले का सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोजेक्ट शिक्षण विधि किससे संबंधित है? तो प्रोजेक्ट शिक्षण विधि किससे संबंधित है, तो वो जॉन डीवी से संबंधित है। किससे संबंधित है? जॉन डीवी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, प्रोजेक्ट शिक्षण विधि जॉन डीवी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है तब वह जल्दी व प्रभावशाली तरीके से सीखता है, यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है? तो ये प्रतिपादित किया गया है थॉर्नडाइक के द्वारा। मतलब उनका कहना ये था कि जब वो बालक सीखना चाहेगा तो वो बहुत ही जल्दी सीख जाएगा, प्रभावशाली तरीके से सीख जाएगा। तो ये कहना था कि इनका थॉर्नडाइक द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धीमी शिक्षार्थी की ज़रूरत है। तो धीमी शिक्षार्थी की ज़रूरत कहाँ पर है? अतिरिक्त सहायता में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अतिरिक्त सहायता, ए नंबर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है, उसकी सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या होती है? कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना। इसका मतलब क्या है कि मतलब वो पढ़ाते हुए बच्चे बोर फील ना करें, ठीक है। वो हंसी मजाक करते हुए वो अपना लेक्चर को कम्प्लीट करें, ये एक अच्छे शिक्षक की को पढ़ाने के लिए, मतलब बोर ना हो लोग, यही इसमें कहना चाह रहा है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रयोगात्मक विधि में सर्वप्रथम प्रस्तावित किया, प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया किसने किया था? वो किया था विलहेल्म वुंट ने। किसने किया था? विलहेल्म वुंट ने। प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया था विलहेल्म वुंट ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है, शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका मतलब ये होता है कि उनका अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। उनको क्या होना चाहिए? विद्यार्थी की समस्याओं को हल करने के लिए पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। तो इसका सही आंसर जो होगा वो सी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके अनुसार शिक्षण है, तो वो क्या है? शिक्षण एक कला है और एक कौशल है, ठीक है, एक प्रक्रिया ये नहीं है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा डी नंबर, बी एंड सी, एक कला और एक कौशल है, शिक्षण एक कला और एक कौशल है, ठीक है। समूह शिक्षण है, तो समूह शिक्षण क्या है? तो वो है संसाधनों, रुचि व विशेषता का इष्टतम उपयोग करते हुए करने हेतु शिक्षकों के समूह द्वारा शिक्षण है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षकों को पढ़ाने के दौरान करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए? जांच को प्रोत्साहित करें, क्या करना चाहिए? जांच को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा बी नंबर, जांच को प्रोत्साहित करें। शिक्षा का उद्देश्य है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है? अच्छा नागरिक बनाना, ऐसे व्यक्तियों का निर्माण जो समाज के लिए उपयोगी हों, व्यवहारिकता का निर्माण करना, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर जो होगा डी नंबर होगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत व व्यापक मूल्यांकन के लिए सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? तो ये देखिए, इसमें सही नहीं है, इसमें शिक्षकों पर बोझ बढ़ जाता है, ये कथन सही नहीं है, इसमें शिक्षकों पर बोझ बढ़ जाता है। तो इसका सही आंसर जो होगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्याम पट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह में अंतर्भुक्त किया जा सकता है? तो देखिए, हम लोग श्याम पट्ट मतलब बोर्ड की बात कर रहा, तो उसमें हम लोग दृश्य देखते हैं, देखने का साधन है वो। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा बी नंबर, दृश्य साधन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम था, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम था जो, वो था राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम था राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक प्रभावी शिक्षक वह है जो कर सकता है, तो क्या कर सकता है? तो विद्यार्थियों को
सीखने के लिए अभिप्रेरित करना, मतलब उसको उसकाना बोल सकते हैं, ठीक है, अभिप्रेरित करना कि आप करो, आप कर सकते हो। ऐसे एक प्रभावी शिक्षक हुआ है जो विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित कर सके। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रतिबिंब शिक्षक कक्षाओं की स्थिति पैदा करता है तो क्या करता है? छात्रों और शिक्षक के बीच बातचीत को बढ़ावा देना, मतलब इसका सही आंसर होगा डी नंबर, ठीक है, क्या होगा? डी नंबर, छात्रों और शिक्षक के बीच बातचीत को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का क्षेत्र नहीं है? तो देखिए, आध्यात्मिक एक अधिगम का क्षेत्र नहीं है, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक अधिगम का क्षेत्र है, लेकिन आध्यात्मक डी नंबर अधिगम का क्षेत्र नहीं है, आध्यात्मिक अधिगम का क्षेत्र नहीं है, ठीक है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष क्या है? तो कक्षा कक्ष अप्रभावित है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता। तो इसका जो सही आंसर होगा ए नंबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने छात्रों को समझने के लिए एक शिक्षक को अच्छी तरह से जानना चाहिए, तो क्या जानना चाहिए? बाल मनोविज्ञान, बच्चों को समझने की दिशा में विद्यार्थियों के विषय पर राय लें, उपरोक्त सभी, तो डी नंबर हो जाएगा कि उपरोक्त सभी, ठीक है। बाल मनोविज्ञान भी उनको आना चाहिए, बच्चों को समझने की दिशा में विद्यार्थियों के विषय पर राय लें। NCF 2005 की सिफारिशों के मुताबिक छात्रों के लिए मूल्यांकन करने का एक दूसरा मानक होना चाहिए, तो वो क्या होना चाहिए? अवलोकन के आधार पर, किसके आधार पर? अवलोकन के आधार पर। इसका सही आंसर होगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ऑडियो विजुअल सहायता का उद्देश्य है? तो ऑडियो विजुअल सहायता का उद्देश्य शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए, ठीक है, छात्रों के बीच रचनात्मक को विकसित करने के लिए, ठीक है, छात्रों को सक्रिय बनाने के लिए, ये भी सही है, विषय वस्तु में उदासीनता विकसित करने के लिए, गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी शिक्षक को मार्गदर्शन करने के लिए शिक्षक को जानने के लिए यह आवश्यक है, क्या आवश्यक है? उनके सीखने में कठिनाई, उनका व्यक्तित्व, उनके घर का पर्यावरण, उपरोक्त सभी। तो किसी शिक्षक को मार्गदर्शन करने के लिए शिक्षक को जानने के लिए आवश्यक है कि स्टूडेंट के घर में क्या क्या प्रॉब्लम है, उसका व्यक्तित्व कैसा, उनके घर का पर्यावरण कैसा है। तो इसका डी ऑप्शन सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूल्यांकन का अर्थ है, तो मूल्यांकन का अर्थ क्या है? छात्र की शिक्षक की सफलता और असफलता का अध्ययन करने के लिए। मूल्यांकन का अर्थ क्या है? छात्र की शिक्षा की सफलता और असफलता का अध्ययन करने के लिए। इसका सही आंसर होगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉफ्टवेयर दृष्टिकोण किससे संबंधित है? तो देखिए, इसमें कंप्यूटर आप लोग नहीं मार दीजिएगा, ठीक है, यह है मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को लागू करना। सॉफ्टवेयर दृष्टिकोण किससे संबंधित है? मनोविज्ञान सिद्धांतों को लागू करना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी नंबर, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी नंबर, मनोविज्ञान सिद्धांतों को लागू करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनिका हो गणित की शिक्षिका है, राधिका से एक प्रश्न पूछती है, राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है, जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि वह क्या कर रही है? मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। मतलब देखिए, अब मोहन से नहीं बन रहा था तो उसके लैंग्वेज को वो चेंज करने की कोशिश करी, तो ये क्या है? लिंग भूमिकाओं को रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी नंबर। बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो एक शिक्षक को सीखने के लिए उपयुक्त स्थिति और पर्यावरण का निर्माण करना चाहिए कि जिससे बच्चा सीख सके। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा सी नंबर। एक प्रभावी और प्रति व्यक्ति सीखने के लिए सीखने के साथ होना चाहिए, क्या होना चाहिए? क्षमता और प्रेरणा की इच्छित स्तर होना चाहिए। मतलब इसका सही आंसर जो होगा वो होगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक कक्षा में एक शरारती बच्चा छात्रों को परेशान करता है, एक शिक्षक को बच्चों की समस्या को जानने के लिए किस विधि को अपनाना चाहिए? तो उसको अपनाना चाहिए प्रकरण अध्ययन विधि को। किस विधि को अपनाना चाहिए? अगर एक शरारती बच्चा वो हल्ला कर रहा है, ठीक है, तो उस करता है एक शिक्षक बच्चे की समस्या को जानने के लिए किस विधि को अपनाना चाहिए? तो प्रकरण अध्ययन विधि को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक आदर्श शिक्षक की गुणवत्ता है,
लोकतांत्रिक दृष्टिकोण विषय में महारत, बच्चे का मनोविज्ञान का ज्ञान, उपरोक्त सभी। तो इसका उपरोक्त सभी डी नंबर इसका सही आंसर होगा। ठीक है, शैक्षिक प्रक्रिया का हिस्सा है, तो शैक्षिक प्रक्रिया का हिस्सा अध्यापक भी है, छात्र भी है, पाठ्यक्रम भी है, उपरोक्त इनमें से सभी, तो डी नंबर इसका भी सही आंसर होगा। ठीक है, शैक्षिक प्रक्रिया का हिस्सा कौन कौन है, अध्यापक है, छात्र है, पाठ्यक्रम है। किस प्रकार से एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधान करता में सहायता कर सकती है, तो वो कर सकती है बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौका देने तथा उनको हल करते समय सहयोग देना। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा ए नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बातचीत खाली स्थान के बीच संदर्भित करती है, तो वो करती है शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक बातचीत शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच संदर्भित करती है, इसका जो सही आंसर होगा ए नंबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक शिक्षक की भूमिका खाली स्थान के विकास के लिए आवश्यक है, बच्चों के शैक्षिक विकास के लिए भी, बच्चों के बौद्धिक और बच्चों के भावनात्मक विकास, तो उपरोक्त सभी, इसका डी नंबर सही ऑप्शन होगा। ठीक है, एक शिक्षक की भूमिका बच्चों के शैक्षिक विकास के लिए भी आवश्यक है, बौद्धिक विकास के लिए भी आवश्यक है, भावनात्मक विकास के लिए भी आवश्यक है। हमारा देखिए, निम्नलिखित को मिलाएं, गणतंत्र देखिए मैं बता दे रहा हूँ डायरेक्ट, गणतंत्र जो है वो है प्लेटो से। ठीक है, गणतंत्र जो है हमारा प्लेटो है। एमिल और शिक्षा जो है रूसो, एमिल और शिक्षा रूसो है। स्कूल और सोसाइटी किससे हैं, स्कूल और सोसाइटी है जॉन डेवी, स्कूल और सोसाइटी क्या है जॉन डेवी। संध्या विधि क्या है, संध्या विधि है दयानंद सरस्वती। ठीक है, संध्या विधि क्या है, दयानंद सरस्वती, तो इसका सही ऑप्शन जो होगा ए नंबर होगा। ठीक है, गणतंत्र जो है प्लेटो, एमिल और शिक्षा जो है आपका एमिल और शिक्षा है वो है रूसो, स्कूल और सोसाइटी है आपका जॉन डेवी, संध्या विधि है दयानंद सरस्वती, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कक्षा में बैठने की व्यवस्था किस प्रकार होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए आपकी कक्षा में होने वाली गतिविधियों के अनुसार। ठीक है, कक्षा में जैसी भी गतिविधि होगी उस हिसाब से आपको बैठना होगा। ठीक है, यदि कोई छात्र उस प्रश्न को पूछता है जिसके बारे में आपको उत्तर आपका उत्तर नहीं है, आप क्या करेंगे, आप तो उस क्या करेंगे कि सवाल का उत्तर तलाशेंगे और अगले दिन उसे व्यक्त करेंगे। ठीक है, सवाल का उत्तर हम सर्च करेंगे और अगले दिन उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, तो ये सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका किस रूप में है, तो वो सुविधादायक है, वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका सुविधादायक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शिक्षण के चिंतनशील स्तर डैश के द्वारा दिया गया था, वो दिया गया था हंट के द्वारा, शिक्षण का चिंतनशील स्तर हंट के द्वारा दिया गया था, ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी नंबर, हंट के द्वारा दिया गया था। एक विद्यार्थी एक प्रकरण में मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करती है, उसका एक दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण बनाती है तथा प्रकरण की समाप्ति पर अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को प्रस्तुत करती है, वह क्या है विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षक और छात्रों के बीच कक्षा संचार होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, उद्देश्य केंद्रित, डी नंबर। तो फ्रेंड्स, जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो अपडेट मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।